हमारे जो स्पेशल गेस्ट है साइंस जर्नी, उनसे रक्षाबंधन के ऊपर हम लोग विचार चाहेंगे और वे हम लोगों को बताएंगे कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, रक्षाबंधन क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। ये दो प्रश्नों पे अपना जवाब रखते हुए रक्षाबंधन के ऊपर हमारे साथ साइंस जर्नी अपना विचार रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे दोस्त हैं ये सभी स्पेशल गेस्ट हैं और मैं भी सभी की तरह ही हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज, जैसे कि प्रबुद्ध नीला भारत राष्ट्र ने बताया कि वो पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो वो सबसे हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कि उन्हें पहली बार यहाँ पे ज्वाइन, कम से कम शुरुआत तो कर दी उन्होंने। और बाकी रियलिस्ट आज़ाद और समता जी टीवी से आए हुए हैं, इन सभी का स्वागत करता हूँ कि सभी लोग आज आए हुए हैं साथ में। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सभी लोगों को एक साथ देखकर। और जो हमारा चर्चा का विषय है कि भारत में एक प्रथा देखी जा रही है कि बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांध रही है। राखी कहने का मतलब है कि कुछ सूत है और उसमें कुछ माणिक्य वगैरह या प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें लगाकर बांध दी जाती है कलाई पर, दाहिने कलाई पर। और इसका जो एवज बताया जा रहा है कि बहन भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांध रही है तो बदले में भाई उसे कुछ सहूलियत देगा, कुछ रक्षा देगा। नाम भी इसका रख दिया गया है रक्षाबंधन, ये रक्षा का बंधन है। भाई को बॉडीगार्ड बनाया जा रहा है बहन का। अब इतनी भाग दौड़ की दुनिया में जहाँ पे किसी बंदे को अपने लिए फुर्सत नहीं है, वहाँ पे इस त्यौहार का क्या औचित्य है ये तो सिरे से ही खारिज हो जा रहा है। एक भाई जो है किसी लड़की का, किसी बहन का बॉडीगार्ड कैसे हो सकता है, उसकी रक्षा कैसे कर सकता है? तो हमें इसका प्रीवियस बैकग्राउंड झांकना पड़ता है कि आखिर ये आया कहाँ से होगा, इतिहास के किन पहलुओं से इसे हमारे समाज में थोपा गया होगा। तो जब हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में तो कभी इतिहास ढंग से किसी ने लिखा नहीं। जो थोड़े मोड़े स्क्रिप्चर्स आज के डेट में उपलब्ध हैं वो कुछ संस्कृत लैंग्वेज में उपलब्ध है, ब्रह्मैनिकल लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, जो पूरी तरह से गपोड़ गाथाएं हैं, जिनमें हंसुए की शादी में खुरपे की विवाह जैसी बातें हैं जिनसे आप सत्य का एक कण भी नहीं निकाल सकते। दूसरे जो बातें हमें मिलती हैं वो पाली साहित्य से मिलती हैं। पाली साहित्य में जैनों का, बौद्धों का, इनके साहित्य मिलते हैं, उनमें से हम कुछ चीज़ें ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे साहित्य हैं जिन पर पूरा विश्व भी बिलीव करता है कि हाँ इनमें सच्चाइयाँ होंगी। इस पर उतनी आपत्तियाँ कभी नहीं उठी। कुछ पॉइंट्स पे कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ समय अंतराल पर कुछ चीज़ें व्यतीत हो गई या उस समय इनका क्या मतलब होता होगा, आज उनका मतलब बदल दिया गया है, तो वहाँ पे थोड़ी सी लोगों में संकोचन हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे मिसलीड हो जाते हैं कि क्या शब्द रहा होगा, उसका अर्थ क्या रहा होगा। दैट इज़ ओके, उस पर हम छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी ट्रैवलर्स भी आए हुए हैं, तो अगर हम पाली ग्रंथों को, अगर हम संस्कृत ग्रंथों को ना भी देखें तो भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स की भरमार है जिससे हम सत्य को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अल्बरूनी 11th सेंचुरी में भारत में आए थे, वो एक प्रकांड विद्वान थे, उनकी विद्वता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने भारत आने से पहले ही जो उस समय की संस्कृत थी उस पर काफ़ी अच्छा काम कर लिया था। मतलब जब वो गजनवी के साथ थे पहले ही, तो वहाँ पे उन्होंने संस्कृत पहले से ही थोड़ी बहुत सीख ली थी, भारत में भी आकर सीखी और उन्हें कई विषयों का अध्ययन था, और तब यहाँ पर आकर उन्होंने भारत के बारे में पूरी एक मोटी किताब लिख रखी है। वो किताबें अभी भी मिल रही है और मैं सभी साथियों को कहता हूँ कि एक बार वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए सभी लोगों को। पूरा भारत का CBSE का इतिहास, पूरे भारत का किसी भी राज्य का इतिहास बिना उस अल्बरूनी के किताब के अधूरी हो जाता है। अगर मध्यकाल का आपको इतिहास जानना है, 10th-11th सेंचुरी में भारत का क्या परिदृश्य था, तो आपको वही एक किताब मिलती है जिससे आप सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। तो अल्बरूनी जब भारत में आए थे तब भारत में जो बौद्ध मार्ग था, जैन मार्ग था, वो डिक्लाइंड हो रहा था। 6th-7th सेंचुरी से दीमक लगनी शुरू हो गई थी और वो डिक्लाइंड हो रहा था। तो जब यहाँ पे वो आए तो उन्होंने यहाँ के मूर्ति पूजकों को हिंदू कहा,
कि ये हिंदू हैं, और बार बार कई सारे टर्म्स उन्होंने बौद्धों का भी इस्तेमाल किया, इवन जैनों का भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने भारत के बहुत सारे पर्व त्योहारों के बारे में बहुत डिटेल्स में लिखा। तो उनकी किताबों से हमें जो 10वीं सेंचुरी 11th सेंचुरी के जो पर्व त्योहार थे भारत में, किस मौसम में कितने त्योहार और कौन कौन से त्योहार और उसके पीछे का क्या कारण था, वो चीज उनकी किताब से हमें जानने को मौका मिला। क्योंकि ये चीजें जब हम संस्कृत ग्रंथों में पढ़ते हैं तो उसमें तो ऐसी कहानी पट्टी पढ़ा दी जाएगी आपको कि आप सत्य से इतने कोसों दूर निकल जाएंगे कि फिर कभी आप वास्तविकता पे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे इस रक्षाबंधन की कहानी संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में, हमें महाभारत में हमें बताई गई कि कृष्ण जो है कभी द्वारिका गया हुआ था, अपने गांव गया हुआ था, अपने शहर गया हुआ था, और एक औरत थी द्रौपदी जिसकी एक्सीडेंटल 5 पति हो गए थे, और वो 5ों भी अपने पिता के पुत्र नहीं थे, नियोग वगैरह से पैदा किए गए थे, तो उनको गलती से एक ही स्त्री से शादी कर दी गई, और जब एक ही स्त्री से शादी कर दी गई तो वो स्त्री की इज्जत लूटी जा रही थी भरे दरबार में। उन्हीं के चचेरे भाई, आप कह सकते हैं भाई भाई ही थे, बाप तो भाई ही थे इनके, तो उनके द्वारा लूटी जा रही थी, और ये 5ों मूढ़ बन के देख रहे थे। अब दुशासन जो है साड़ी खींचे जा रहा था, और वो बेचारी वहां पे खड़ी होके इंतजार कर रही थी, नग्न हो रही थी। तो वहां पे ये बताया जाता है कि कृष्ण उसमें भगवान था उस कहानी में, और वो पहुंच जाता है, पता नहीं कौन से मार्ग से पहुंचता है वहां, तो ये तो लिखा नहीं है कि विमान भी उसके पास था कि पहुंच गया वहां से, पता नहीं कौन सी उसने टेक्नोलॉजी से साड़ियां भेजनी शुरू कर दी, हाथ से साड़ियां भेज रहा है। अब दुशासन खींच रहा है और द्रौपदी जो है उसकी साड़ियां निकलते जा रही है, निकलते जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, पूरा दरबार जो है साड़ियों से भर जा रहा है, सुबह से शाम हो जा रही है, साड़ियां ही नहीं खत्म हो रही है। तो ऐसी ऐसी कथा कहानियां हमें पढ़ा दी गई कि इसमें जो है कृष्ण अब भाई बन गया है, बायोलॉजिकल भाई तो नहीं है लेकिन रखवाला, रक्षा कर रहा है बहन के। किससे रक्षा कर रहा है? तो उन मर्दों से रक्षा कर रहा है जिन 5 मर्दों को उसका पति बना दिया गया था कि तुम इनकी रक्षा करोगे। ये आपको जब पढ़ाते हैं शादी विवाह का मंडन तो क्या कहते हैं कि शादी हो रहा है तो भाई पति जो है पत्नी की रक्षा करेगा, अभी तक भाई और पिता करता था, अब पति करेगा। यहाँ पे पति और उसके घर वाले उस लड़की की इज्जत ले रहे हैं, उसके साड़ी नोच रहे हैं, और पति पांच पति हैं बैठ के तमाशा देख रहे हैं। भाई आ रहा है, वो भी अपना भाई नहीं है, बायोलॉजिकल भाई नहीं है, ईश्वर है इसलिए आ रहा है। अब वो ईश्वर नहीं होता तो वो भी नहीं आता। तो ये कथानक हमें पढ़ाई गई है कि वहां से आता है, तब वो वहां से साड़ियां देते जाता है। अब उसकी टेक्नोलॉजी देखिए कि उस बेचारे को यही बात समझ में आई कि भाई उंगली से तो वो चक्र भी चला सकता था, सबके गर्दन काट सकता था, कि अब इतना अधम क्यों कर रहे हो। वो क्या कर रहा है? साड़ी दे रहा है। मतलब ये इज्जत बचाने का तरीका होता है कि वो साड़ी खींच रहा है, तुम उसे खींचवा रहे हो। अबे उसको रोकना चाहिए था ना, पकड़ के 2 थप्पड़ लगाते, गर्दन काट देते वहीं पे। जब तुमने पूरी की पूरी महाभारत ही कर दी, गर्दन काट दी, सब लोगों के गर्दन कटवा दिया, वहां पे स्त्री की इज्जत लूटी जा रही है, तुम तमाशा बन के देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, और तुम साड़ी दे रहे हो कि बेटा उतने पर ही देखो। अरे साड़ी खींच रहा है, ऊपर से जो पल्लू अल्लू हट गया है, नीचे कमर पे लटकी हुई है, वहां से खींच रहा है। तो वो तमाशा सुबह से शाम तक एक औरत को नचवा रहा है, ये हमारा भगवान था। ये कहानियां हम लोगों को बताई। बदले में क्या करता है अब कि एक दिन ये दरबार में एक बंदा जो है बहुत ज्यादा बक 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 बोलते जाता है, तो कृष्ण का पारा हाई हो जाता है। उसमें क्या करता है, वो सुदर्शन चक्र चला देता है। अब सुदर्शन चक्र जो है वो उंगली से चलाता था। अब देखिए टेक्नोलॉजी इसकी देखिए, सोचता था कि उसकी गर्दन काट दे और उंगली में से चक्र निकल के जाता था और उसकी गर्दन काट के आ जाता था। तो गर्दन काट दिया, अब गर्दन काट दिया तो उसकी उंगली थोड़ी सी डैमेज हो गई, खून वगैरह बहने लगा। अब जब खून बहने लगा तो उस खून को द्रौपदी आके तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के उसकी उंगली बांध रही है कृष्ण का। मतलब भाई उसकी रक्षा किया है, या इसने इसकी उंगली बांध दी है, अब कलाई पे नहीं बांध रही है, उंगली पे बांध रही है, तो ये रक्षा कर रहा है बदले में। ये हमें कहानी बताई है रक्षाबंधन की। अब थोड़ा सा इस घटना की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, फिर हम आते हैं एक्चुअल मुद्दे पे। अब ये भगवान है, उंगली से पहाड़ उठा लिया था, कहानी आपको ये भी बताई गई होगी कि उंगली से पहाड़ उठा लिया था, उंगली नहीं डैमेज हुई थी, काने उंगली से उठाया था तो भी इसकी उंगली नहीं डैमेज हुई थी। यहाँ चक्र चला दिया, एक का गर्दन काट दिया तो उंगली डैमेज हो गई, और वहां पे इन्हें साड़ी के पल्लू का मोहताज हो गया,
इतना बड़ा भगवान था ये। तो खैर, इस तरह की बकवास कहानियां हम लोगों को बता दी जाती हैं कि ये कहानियों के पीछे ये इतिहास रहा है और इसीलिए रक्षाबंधन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि एक लड़की जो है वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, ये अवतार लेगा उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाएगा, उसकी इज्जत बचाएगा, फिर लड़वाएगा भाइयों भाइयों को। कुल मिला के खून खराबा हो रहा है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। क्या कोई माई का लाल आज भी हमें बता सकता है कि वो परिवार अगर वास्तव में होते, लड़के मर गए होते, तो धर्म की स्थापना हो गई? नहीं हुई थी। क्या महिलाओं की सुरक्षा हो गई थी उस घटना के बाद? नहीं हुई थी, कभी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ये चीज दिखाई जा रही है कि एक महिला कुछ नहीं कर सकती है, उस महिला को कोई दूसरा बंदा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, वो दूसरा बंदा आकर रक्षा कर रहा है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि महिला को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो खुद फाइट कर सके। पूरी दुनिया में महिलाएं इतनी फाइटर रही हैं, आज भी आप देखें विदेशियों का कल्चर देखें, हमेशा उनकी फिल्मों को देखिए, एंशिएंट मूवी को देखें, हमेशा वो दिखाएंगे कि जहाँ पे भी चोर डकैत हैं या जहाँ भी एडवेंचरस हैं, वहाँ पे हर जगह महिलाएं भी होती हैं उसमें। तो ये प्रेजेंस हमेशा दिखाया गया है, लेकिन भारत में ये प्रेजेंस बिल्कुल गायब है। यहाँ पे सिर्फ उन्हें एक साइड मनोरंजन के लिए दिखाया जाएगा और हमेशा ही उन्हें दिखाया जाएगा कि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है हीरो पे या किसी मर्द पे डिपेंडेंट है। आज भी भारत की महिलाएं घर से निकल रही हैं तो क्या कहा जाता है कि बेटी शाम से पहले चले आना, तो इस समय चले आना, तो जाते ही फोन करना, ये करना। लड़कों पे ऐसी नहीं होती, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लड़का, और किसको कार्यवाही किस पे हो रही है? महिलाओं पे। आप ये काम पुरुषों पे क्यों नहीं करते? तो समाज जो हमारा निकम्मा समाज है, ये अपनी निकम्मापन को छुपाने के लिए महिला को सदियों से प्रताड़ित करते रहा है, और इसी प्रताड़ना के शिकार में हमें रक्षाबंधन भी थोप दिया गया है, जहां हर साल महिलाओं को ये एहसास कराया जाता है तुम्हारी रक्षा एक पुरुष करेगा। किससे करेगा? अन्य पुरुषों से करेगा। ये एहसास दिलाया जाता है हर वर्ष हर इस त्योहार के दिन, और महिलाएं जो हैं वो क्यों नहीं छोड़ देती है? जब ये ट्रूथ है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं छोड़ पाती। क्यों नहीं छोड़ पाती हैं? क्योंकि बदले में उन्हें एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि इस दिन आप राखी बांध दोगी तो आपको थोड़ा सा आपका भाई जो है वो कुछ गिफ्ट दे देगा, थोड़े से पैसे वैसे दे देगा। उसके लालच में वो बेचारी, उन्हें लगता है कि यार चलो राखी बांध देते हैं, कुछ थोड़े बहुत तो आज के दिन मिल जाएगा। आपने इन छोटे मोटे लालच में उसकी पूरी एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, उसकी इंडिपेंडेंसी को खत्म कर दिया, आपने पूरी तरह से एक महिलाओं की लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। आज अगर एक घर में दो लड़कियां हों, दो लड़के हों, और अगर जो घर के माँ बाप हैं अगर दो ही बच्चे को पढ़ाने में सक्षम हो, वो किसको पढ़ाएंगे? क्या कोई बता सकता है मुझे? वो दोनों लड़कों को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में आज ऐसी स्थिति हो गई है कि इन लोगों के मन में ऐसा बैठ गया है कि लड़कियों को तो दूसरे घर में भेजना है, इन्हें इंडिपेंडेंसी देकर हम क्या करेंगे, इन्हें पढ़ा लिखा कर हम क्या करेंगे। और जब आज मार्केट में ये डिमांड बढ़ गई है कि नहीं अब पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए, तो अब फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। बहुत कम ऐसे गार्जियन हैं जो लड़कियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये पढ़कर अच्छे फील्ड पर अच्छे पोस्ट पर चली जाए, गवर्नमेंट में चली जाए, कहीं पर चली जाए, इट्स ओके। लेकिन अभी भी इनका मूल पर्पस है कि इसकी शादी हो जाएगी, वो कमाएगी धमाएगी कुछ भी करेगी, उससे मेरा क्या फायदा है? अल्टीमेटली आज भी उनको उतना ही किया जाता है कि इसकी किसी तरह से शादी हो जाए। शहरों में थोड़ी सी कंडीशन बदली है, लेकिन ये चीज बरकरार है। मेरा तो सीधा सीधा आह्वान है कि सारी महिलाओं को, जितनी भी पेट्रियॉटिकल सोसाइटी की ये जो पर्व त्योहार है, इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए, बायकट कर देना चाहिए, सिरे से बायकट कर देना चाहिए। क्योंकि ये आपको सिर्फ हर साल यही एहसास दिलाता है कि आपके ऊपर कोई पुरुष है। अब मनुस्मृति में साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर किसी लड़की का पिता नहीं है और उसकी शादी करवानी है तो भाई करवाएगा, तो मनुस्मृति की ये जो बात है ये समाज पर एक इम्पैक्ट डाल रही है। क्या इम्पैक्ट डाल रही है? कि महिलाओं पर अभी भी पुरुष ही प्रधान है। तो अभी तक जो मैं इस पर्व को जिस नजरिए से देख रहा हूँ, मेरा मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरह से पेट्रियार्की समाज की, एक पितृसत्तात्मक समाज की थोपी गई व्यवस्था है, जिसको महिलाओं के द्वारा
तुरंत ही बायकट कर देना चाहिए, इवन पुरुषों के द्वारा भी बायकट कर देना चाहिए। राखी नहीं बंधवानी चाहिए, न किसी को बांधने की प्रेरणा देनी चाहिए। क्यों दे, एक भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, बॉडीगार्ड बनकर रक्षा करेगा, कब तक करेगा, कितने सालों तक करेगा। आज भारत में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, आज भारत में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, इनको कौन रोकेगा? आप अपनी बहन को रोक लोगे और दूसरे की बहन को कौन रोकेगा? या तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि सारी महिलाओं को, सारे औरतों को, लड़कियों को सुरक्षा दे, हर पुरुष सुरक्षा दे, तो कुछ बात बनती। अपनी बहन की, अपनी बहन और बाकी बहन दुनिया की रेप हो रहा है, डेली घटना आ रही है न्यूज़पेपर में, खबरों में, क्या है इसका मतलब? तो इसीलिए लास्ट में मैं इसको समराइज कर देता हूं कि सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को इस पर्व को जितनी जल्दी हो सके बायकट कर देना चाहिए, सिरे से खारिज कर देना चाहिए। और आज के दिन सबको शपथ लेना चाहिए कि हमें रक्षा नहीं करनी है, हमें हक देना है, महिलाओं को उनका एजुकेशनल हक देना है। अगर घर में जितना लड़के को पढ़ा रहे हैं उतना लड़की को पढ़ाइए, मैं श्योर गारंटी देता हूँ कि लड़की उस लड़के से भी बेहतर करके दिखाती है। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से हमारे सभी जितने भी व्यूअर अभी इस लाइव को देख रहे हैं रक्षाबंधन के ऊपर बहुत बड़ी जानकारी दी होगी, और ऐसी जानकारी शायद हमारे समाज के लोग अब तक नहीं जान पाए होंगे जो कि आपने दिया। क्योंकि रक्षाबंधन एक त्यौहार, ऐसा त्यौहार है जिसमें हमारे समाज के लोग जो कितने भी तार्किक क्यों ना हो जाए, वे अक्सर इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्या हम अर्जक शोषित मूल निवासी भाइयों को मनाना चाहिए, क्योंकि उसमें ये देखने लगते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है इसमें तो कहीं किसी प्रकार का पाखंड नहीं है, क्योंकि उसमें ना कोई ब्राह्मण पंडित आता है, ना कुछ आता है, एक राखी ही तो बांधनी होती है और मिठाई ही तो खाना होता है, तो इसमें शायद किसी प्रकार का ब्राह्मणवाद नहीं है, पाखंड नहीं है। तो उम्मीद है साइंस जर्नी सर ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब जो लोग ऐसे सोचते होंगे या सोच रहे होंगे उनकी मानसिकता जरूर बदलेगी, वे भी तर्क बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे।